सबसे बड़ी मेजर चीज़ तो यह है कि मेरा ख्याल से अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर का भी ट्वीट देखा, थोड़ी देर पहले उन्होंने किया, कि हम जो गैदरिंग्स वगैरह हैं उनके अंदर जो है पार्टिसिपेशन करने के एंगल से थोड़ा सा जितना अवॉइड कर सकते हैं अच्छा है. नॉट दैट कि अब एक बड़ी गैदरिंग में अगर एक भी व्यक्ति सस्पेक्टेड या इन्फेक्टेड है तो ही हैज़ द पोटेंशियल टू इन्फेक्ट मैनी पीपल. नॉर्मली जो इसका जो स्प्रेड होता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है. अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो मेरा जो थूक है या उसके जो छोटे छोटे कण जिसे ड्रॉपलेट कह सकते हैं जो बाहर जाएगा उसके साथ एक मीटर तक कम से कम फासले पर मैं किसी दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता हूँ. तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसलिए. और फिर दूसरा जो है एक दूसरे के साथ टच करके हो सकता है. तो अगर इन्फेक्शन किसी को है हम अपने इसलिए उसमें बार बार बोलते हैं कि अपने हाथ को फ्रीक्वेंटली हम धोते रहें, साबुन से वॉश करते रहें, 20 सेकंड तक कम से कम अच्छी तरह से वॉश करें. हैंड शेक की जगह आई रिकमेंड कि भाई अगर अभिवादन किसी का करना है नमस्ते करके हम कर लेते हैं. हाथ को जो है अगर ये भी एक तरीका हो सकता है इससे सेफर तरीका रादर देन दिस कि मैं अपने खांसते छींकते समय हम टिश्यू पेपर का यूज़ करें उसको फिर डिस्ट्रॉय करें प्रॉपर जगह पे ट्रैश उसको उसमें पहुंचाएं. और हाथ को बार बार अपने मुंह पर नाक पर आंखों पर हम ना लेके जाएं. जिन सरफेसेस को हम बार बार टच करते हैं उनको क्लीन रखें. ये कुछ ब्रॉड प्रिकॉशंस हैं. ट्रीटमेंट इसका लाइक एनी अदर वायरल इलनेस है कि भाई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है. अगर बुखार है तो हमें बुखार के लिए पैरासीटामॉल लेना पड़ेगा और प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स, यही इसका, या रेस्ट, ये ब्रॉडली ट्रीटमेंट है.